Firstly, ma'am, 10th to 5 class. उसके पहले जानना चाहूँगा कि लोगों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड अबाउट योर कैरेक्टर दैट प्लेड सब्जेक्ट रियली टेल अस समथिंग अबाउट द रिस्पॉन्स जमानदार एकदम भी आ गया मतलब वो माहौल बन गया बट इट्स वन ऑफ बहुत मेरे लिए इट्स द मोस्ट स्पेशल फिल्म ऑफ माय लाइफ ये क्रिकेट के बात में बट माय कैरेक्टर द फिल्म मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये रिस्पॉन्स फ्रॉम फैंस रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंडस्ट्री बहुत पॉजिटिव है सो आई एम सुपर हैप्पी दैट फाइनली ये याद है और सब पॉजिटिव इट वाज सब कुछ ठीक था सिर्फ रिलीज डेट ठीक नहीं थी सो आई एम जस्ट हैप्पी दैट इट्स रीचिंग अ लार्ज Malki sir always brings something new to the table. When you got to know about the script, what was your first reaction? You playing a left arm, and it was not practice. Like you are a right-handed or left-handed. I'm a righty life, so I become a left-handed. It was extremely difficult because right-hand से हम ज़िंदगी जीते हैं, then suddenly to become a left-handed with someone नहीं कर पाती, कुछ thorough genius. चीट शॉट्स नहीं होते हैं या उनके साथ जो होता है वो इट्स ऑल योर टाइम सो प्रैक्टिस ऑब्वियसली बहुत सारी प्रैक्टिस की बट क्रिकेट एक बात की इमोशनली फिल्म बहुत डिमांडिंग थी सो फॉर मी दैट वाज मच टफर देन द पार्ट बट इट्स आई हैव सेड दिस विद राकेश सर आई हैव सेड दिस विद अनुराग कश्यप नाम से धरपाल किया आई जस्ट आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड दैट आई गेट टू वर्क विद मेकर्स लाइक इस पिक्चर से भी पहले हमने कई बार देखा सोशल मीडिया पे आपकी क्रिकेट और आपका प्यार काफी गहरा है। If you get a chance to play anyone, biopic, कौन से ऐसे खिलाड़ी होए? इंडिया से या फिर any other? Right now, actually, I'm very happy with work. I don't think I want to biopic in a cricket one right now क्योंकि अभी तो cricket चल रही है। So maybe not a cricketer biopic, but maybe runner, maybe another sport. Any if you want to name any sports person or any film star? I think PV Sindhu. I think she's got quite a story. So if something. Okay, apart from this, anything coming up? I'm working with Raj Pandi right now on Special Ops. Okay. We're currently shooting for Special Ops and I finished a film with Excel and Dr. Karkar, so that will release hopefully next year. And another film that starts in January. सबसे पहले शुरुआत हड्डी से करते हैं। हड्डी का किरदार है हम जब साराबाई वर्सेस साराबाई का किरदार देखते हैं। हड्डी का किरदार मेरी फैमिली का किरदार You have explored so many things in your life. Tell us something about Hadi, how special that character is for you. Hadi is special because Hadi के लिए बहुत मेहनत की थी. Hadi के लिए मांस ज़्यादा चढ़ाया. Hadi के लिए पूरा लुक चेंज किया. Hadi के लिए जो रोसेश की छवि थी उसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगी. So somewhere और रही बात उस तरह के कभी कैरेक्टर किया नहीं था so उस जॉनर को एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आया so I hope कि and especially ये मेरी फैमिली is very different from हड्डी couple of other वेब सीरीज़ जो आ रहे हैं जैसे राणा नायडू था या कोटा फैक्ट्री था तो सब में किरदार अलग अलग करने का मौका मिल रहा है तो आई थिंक कि टेलीविज़न में शायद बहुत कम ही टेलीविज़न या वेब में ऐसे एक्टर्स होंगे जो मतलब 22 से 24 अलग किरदार निभा चुके हैं मैं बड़ा विडम्बना वाली बात बताऊं कि जब तक रोसेश लुकअलाइक था ना मैं वजन कम था तो lot of work did not happen because people thought that I cannot break the image and the day I thought that I'll gain weight and I'll bring that maturity or change over my face or personality you won't believe it I did 4 films and 5 web series with that thing so I do not know which one works so Hadi mein wahi ek cheez badi achhi hui mere sath ki because of Hadi then there is another film so there are 3 more releases lined up right now and all 4 different characters but with the same height weight बाल जब मुड़वाए मैंने तो लोगों को बाल मुड़वाते ही ओले पड़ते हैं मुझे फिल्में मिली so somewhere I feel कि वो change चाहिए था लोगों को and they accepted it and they gave me that chance जी अभी तो script level पे ही है so not too much I can talk about but हाँ definitely it's on the card so बाकी ये मेरी फैमिली भी है कोटा फैक्ट्री भी है सो गुड work. Hadi तो फिल्म थी ना, तो उसका सीजन तो बनेगा ही नहीं. नहीं, I don't think Hadi का कुछ है. But I've done a film with Nawaz Ji, which will hopefully will see the day of, I mean, light of day any day. Thank you so much. Thank you. ये जो किरदार था आपका ब्रदर का किरदार है, अलग लेवल का किरदार था. Tell us something about the character and how great response has been for you. Yeah, Alhamdulillah, response has been excellent. बहुत लोगों को अच्छा लगा, बहुत लोगों ने मैसेज किया. हमारे फिल्म फ्रेटर्निटी से भी बहुत लोगों ने बोला कि लेंथ छोटा था बट इम्पैक्टफुल था, और मैं अपने आप को खुश नसीब ही समझता हूँ यार, टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. यार एवरी मोमेंट दैट आई स्पेंट ऑन सेट इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, मैं यही कह रहा हूँ. और इतने बड़े स्केल पर फिल्म बनी थी, आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड, बट ऑल इन ऑल it's just everyone's blessing. How was your first date with Shah Rukh sir? Shah Rukh sir को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो उन्हें थोड़ा रिमाइंड करना पड़ा मुझे कि उनके साथ मैं पहले डांस किया करता था. He was very gracious, और पहला हमने जो सीन शूट किया था वो फाइट सीक्वेंस शूट किया था. फाइट सीक्वेंस या जो सबसे पहले हमने शूट किया था वो फाइट सीक्वेंस था, तो उसके ऊपर कैरेक्टर डेवलप होता गया. बस मैं देखता ही रहा कि कितने कैमरा यूज़ कर रहे हैं, कैसी लाइटिंग. आई थिंक आई वाज प्रिविलेज्ड टू वर्क विद सम ऑफ द बेस्ट टेक्नीशियंस इन द इंडस्ट्री. हाय, आई एम वेरी थैंकफुल टू ScreenXX अवार्ड्स. मेरा सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड ये जो सीरीज़ है उसके लिए मुझे यहाँ पे वो सम्मानित करने जा रहे हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि कुछ किरदार आपसे बहुत नज़दीक होते हैं, दे आर वेरी नियर टू योर हार्ट, तब उनके लिए जब सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है. सो आई वुड लाइक टू थैंक TVF एंड Z5 ऑफ कोर्स, एंड थैंक यू ScreenXX अवार्ड्स जूरी. हाँ यार, मतलब कभी एयरपोर्ट पे वगैरह जाती हूँ तो अचार अचार बुलाते हैं तो अच्छा लगता है. मुझे एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला उसके लिए. हाल ही में एक महाराष्ट्रियन हस्बैंड थे जिनकी वाइफ नॉर्थ इंडियन थी, जिन्होंने वाइफ से कहा अरे ये तो महाराष्ट्रियन है ये एक्टर, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो ये दिल्ली 6 की है, वैसा उनका एक्सेंट देख लो, उनका बिल्कुल महाराष्ट्रियन नहीं लग रहा है. तो मैंने कहा चलो, जो यूपी के लोग हैं उनको लगा कि मैं मुझे आई एम प्राउड महाराष्ट्रियन, लेकिन वो एक्सेंट अलग था, वो किरदार अलग था, यूपी का मतलब दिल्ली 6 का था, वो उनको लग पाया, तो मैं खुश हूँ उसकी वजह से. आने वाले समय में कोई असली रोल एनीथिंग? हाँ, मैं बहुत दिनों के बाद अब मराठी में काम कर रही हूँ, और साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है कहानी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. आई एम शूटिंग फॉर द सेम, और थैंक यू फॉर द लव यू गेव मी फॉर लास्ट स्टोरीज टू. ये तो अनुराग और विक्रमादित्य से पूछना पड़ेगा. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच.